अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट केक। इसे बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम डार्क चॉकलेट को कट करके एक बाउल में रख ली हूँ। ये डार्क चॉकलेट है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अमूल की फ्रेश क्रीम, अब इसको है ना इसके अंदर मिला दूंगी मैं, और 30-30 सेकेंड करके दो बार में मैं इसको मेल्ट कर लूंगी। अगर आप है ना 400 ग्राम पूरी डार्क चॉकलेट ले रहे हो तो ये पूरा एक क्रीम का जो पैकेट है छोटा वाला आता है वो पूरा लग जाएगा। अभी मैंने 200 ग्राम ली हूँ तो उसमें मैंने आधा ही क्रीम डाल के इसको 30-30 सेकेंड करके दो बार अपने ओवन में डाल के इसको मेल्ट कर ली हूँ। अब इसको ऐसे घुमाते हुए इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये चॉकलेट गनाश बनके तैयार हो गया है। अब मैं इधर क्रीम लगा रही हूँ अपने केक बोर्ड पर, और ये मैं अपना स्पॉन्ज इसके ऊपर रख रही हूँ, और अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी शुगर सिरप। ये स्पॉन्ज मैंने कैसे बनाई उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। अब जो मैंने गनाश बनाई थी वो आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में डाल दी थी, और वो अब इसके ऊपर लगा रही हूँ मैं। अब दूसरा स्पॉन्ज इसमें रख दूंगी मैं, इसके ऊपर भी शुगर सिरप लगा देंगे। अच्छी तरीके से और इसके ऊपर भी चॉकलेट गनाश लगा देंगे। आप चाहो तो चॉकलेट की जगह पे क्रीम भी यूज कर सकते हो। अब तीसरी वाली लेयर मैं इसके ऊपर रख दी हूं, और इसके ऊपर मैं शुगर सिरप लगा रही हूं। अब मैं क्रीम को इसके ऊपर साइड साइड में लगा दूंगी। अब पहले मैं इसको क्रम कोट कर रही हूं, इसके लिए साइड साइड में लगा के अच्छी तरीके से इसको पहले कवर कर दूंगी। पूरे केक को अच्छी तरीके से कवर करने के बाद मैं इसको है ना एक घंटे के लिए फ्रिज में डाल दूंगी, थोड़ा सा सेट हो जाएगा। ये देखिए इसी तरीके से पूरे में लगा देंगे। मैंने एक घंटे के लिए इसको फ्रिज में डाल दी थी। अब मैं अपनी क्रीम को है ना एक पाइपिंग बैग में बिना नोजल के ही डाल ली हूँ, और थोड़ा सा पाइपिंग बैग को कट कर दी हूँ और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ। ऐसा करने से पूरे केक में क्रीम अच्छी तरीके से लग जाती है और एकदम बराबर लगती है। आप चाहो तो बिना पाइपिंग बैग के भी लगा सकते हो। ये देखिए मैंने पूरे में लगा दी हूं। अब इस तरीके से चिकना कर लेंगे। ये देखिए साइड से भी चिकना कर देंगे। अब मुझे जहां जहां थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है वहां वहां क्रीम लगा के इसको एकदम अच्छी तरीके से ये एकदम अच्छी तरीके से हो गया है। अब इसके बची हुई क्रीम के अंदर मैं पिंक कलर डाल रही हूं। और इसको भी मैं एक पाइपिंग बैग में डाल दूंगी, और मैं बिना नोजल के ही इस डॉट डॉट इसके ऊपर बना रही हूं। ये मेरे पाइपिंग बैग के आगे साइड में थोड़ा सा चॉकलेट लग गया था। इसी तरीके से डॉट डॉट देके पूरे केक को
कवर कर देंगे। अब इस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ मैं, आप चाहो तो चम्मच से भी कर सकते हो। ये डिज़ाइन देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और बहुत ही आसान है। अब मैं इसका बॉर्डर बना रही हूँ। पूरा बॉर्डर मैंने बना ली हूँ। अब इसको मैं शिमर से इस तरीके से स्प्रे कर रही हूँ। ये करने से बहुत अच्छा ये केक देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब इसके ऊपर मैंने, मेरे पास थोड़े से ये फ्लावर रखे हुए थे, ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये देखिए मेरा केक बनके तैयार हो गया है। ये देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो आती है पसंद तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।